नमस्ते, मैं रजत और मैं कुछ दिन पहले ओमकारेश्वर गया था और ओमकारेश्वर में रुकने के लिए आपके लिए बेहतर जगहों की वीडियोस ना लाऊं ऐसा हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कि हमारे चैनल पे 97% जो लोग आते हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में मदद मिलेगी और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री गजानन महाराज सेवा संस्थान के विषय में बात करेंगे। 4 एकड़ में फैला हुआ यह भक्ति निवास काफी खूबसूरत एवं साफ सुथरा है और यह श्री गजानन महाराज सेवा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे जो भी कर्मचारी है वो सेवादार है, मतलब वो महाराष्ट्र से बस सेवा देने के लिए आते, उन्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते, जिसके कारण सेवा भाव होने के कारण वह इसकी बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं और साफ सुथरा इसे रखते हैं। साथ ही साथ जब उनसे आप मदद मांगेंगे तो वह एज ए सेवा उसे देखते, काम नहीं देखते, जिसके कारण वह हमें अच्छे से मदद करते हैं। तो यह हो गई संस्थान के विषय में बात। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो जो नया ओंकारेश्वर का बस स्टेशन है उससे इसकी दूरी 1.6 किलोमीटर है, तो 20 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहां पहुंच सकते हैं और रास्ता भी सीधा है, कहीं मुड़ना नहीं है, तो आपको यहां पे आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप ऑटो के थ्रू आना चाहते हैं तो आप वहां पे बस स्टेशन से आपको शेयरिंग ऑटो आराम से मिल जाएगा जो कि आपको 10 से 20 रुपया लेते हैं। अब उस तरह से आप यहाँ पहुंच तो भी आपको दिक्कत आ रही है तो मैं गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहां से आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप कहीं से हैं तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। और जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उससे इसकी दूरी 1 किलोमीटर है, तो आप यहाँ से आराम से 15 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा वहां से भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी जा सकते हैं। माने लोकेशन काफी बेहतर है। अब लोकेशन की बात हो गई है तो अब बात आती है बुकिंग की। तो यहाँ पे ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है और कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं आपको दे देता हूँ लेकिन कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप यहाँ के बुकिंग नहीं करवा सकते। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का नियम चलता है, मतलब जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे यहाँ पे कमरा या डोरमेट्री खाली होगा तो वो आपको अलॉट कर देते हैं। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे आपको डोरमेट्री एवं कमरा मिल ही जाता है, क्योंकि मैं जब सावन महीने में गया था तो मुझे डोरमेट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं आई थी और जो लोग रूम लेने भी आ रहे थे फैमिली वाले उनको भी आराम से कमरा मिल रहा था क्योंकि कमरा खाली था। क्योंकि ये भक्ति निवास काफी बड़ा है, यहाँ पे 4 भवन है जिसमें टोटल 104 कमरे और 200 डोरमेट्री है, इतने बड़े होने के कारण हमें आराम से कमरा एवं डोरमेट्री मिल ही जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल है। तो यहाँ पे डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, 6 बेड, 8 बेड, 10 बेड का भी कमरा है। यदि आप ज्यादा लोगों के साथ आ रहे हैं तो 10 बेड का भी आप कमरा ले सकते हैं। यहाँ पे डोरमेट्री अवेलेबल है, यदि आप 1 लोगों के साथ आ रहे हैं तो आप डोरमेट्री में रुक सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की प्राइसेस की। तो यहाँ पे यदि आपको एसी कमरा चाहिए डबल बेड का तो उसके लिए आपको 800 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 4 बेड का एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए 951 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप कूलर वाला कमरा चाहते हैं 3 लोगों के लिए तो उसके लिए आपको 450 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 4 लोगों के लिए चाहते हैं कूलर वाला कमरा तो उसके लिए आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप ट्रिपल बेड का फैन वाला कमरा चाहते हैं तो उसके लिए 450 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 10 बेड का कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब 75 रुपया में पर पर्सन आपको एक रूम मिल रहा है, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। अब कमरे की बात हो गई है तो अब बात करते हैं डोरमेट्री की। तो यहाँ पे 2 टाइप के डोरमेट्री अवेलेबल है। पहला जिसका किराया 60 रुपया होता है, एक बड़े से हॉल में 60 बेड लगे होते हैं उसमें से 1 बेड आपको अलॉट कर दिया जाता है और बेड के साथ आपको एक लॉकर भी दिया जाता है। लॉकर के साथ ताला नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आपको खुद का अपना ताला लाना पड़ता है। यदि आप 40 रुपया वाला डोरमेट्री लेते हैं तो उसमें आपको फर्श पे ही सोना पड़ता है, आपको गद्दा तकिया बेड सीट ये सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप 60 रुपया वाला ही लें, जिसके लिए आपको लॉकर भी मिलेगा और बेड भी मिलेगा। यदि आप यह लेना चाहते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये 2 दिन के लिए एक साथ नहीं मिलता है। आपको यदि यह चाहिए तो 3 से 3:30 के बीच में चले जाएं क्योंकि उसी टाइम यह अलॉटमेंट चालू होता है डोरमेट्री का, तो आप अलॉटमेंट करवा के ले लेंगे। और सुबह आपको 8 बजे इसको खाली कर देना पड़ता है क्योंकि 8 से 2-3 बजे तक इसकी साफ सफाई होती है, रूम साफ होता है, बेडशीट ये सब मोड़ा जाता है, वॉशरूम ये सब साफ होता है। उसके लिए समय चाहिए तो उसके लिए आपको रूम के अंदर लगभग 9 बजे से 3 बजे तक नहीं रहने दिया जाता है। आप फिर से 3 बजे के बाद जब अलॉट करके आएंगे तो नेक्स्ट डे के लिए आप रुक सकते हैं। आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। मैंने जब मैं यहाँ पे था तो मैंने 1 दिन का अपना बुकिंग कराया और रुका और अपना सामान यहीं पे रहने दिया,
और फिर मैंने 3 बजे आके नेक्स्ट डे फिर से बुकिंग करवा ली और फिर से मैं यहाँ पे रुक गया था, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे रूम चाहते हैं तो मैं आपको टिप देता हूँ कि आपको फैमिली के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप 3-4 लड़के आ रहे हैं तो आपको डोरमेट्री दिया जाएगा, आपको कमरा नहीं दिया जाएगा। यदि महिला का होना लगभग मान लीजिए दो रूम के लिए कंपलसरी। फूड की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे प्रसादालय है जहाँ पे आप यदि नाश्ता करना चाहते हैं तो आपको 6 से 9 के बीच में जाना पड़ेगा, और चाय के लिए आपको 10 रुपये, कॉफी के लिए 10 रुपये और दूध के लिए 10 रुपये पे करना पड़ता है। यदि आप पोहा या उपमा खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 10 रुपये पे करना पड़ता है, मतलब 20 रुपये में आप एक बेहतर नाश्ता कर सकते हैं। अब नाश्ते की बात हो गई है तो अब यदि आप दोपहर के खाने की बात की जाए तो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ भोजन की व्यवस्था है, जिसके लिए आपको 40 रुपये पे करना पड़ता है और भोजन काफी साफ सुथरा एवं सात्विक होता है। यदि आप रात के खाने की बात की जाए तो 7:30 से 9 बजे तक आप रात का भोजन भी कर सकते हैं। यदि आप 10 बजे के बाद आते हैं 12 बजे तक तो यहाँ पे निःशुल्क आपको भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब भोजन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं यहाँ का ओवरऑल रिव्यू कैसा रहा। तो मेरी माने तो आप यहाँ पे जरूर आए, यदि आप ओंकारेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील आएगी। यहाँ पे का गार्डन जो है काफी खूबसूरत है, यहाँ पे जो मंदिर है वो काफी खूबसूरत है, भवन काफी खूबसूरत है, तो आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और मेरी अगर गूगल में मैंने जब रिव्यू चेक किया था तो 4110 लोगों ने यहाँ पे रेट किया है, और मैक्सिमम लोग मानिए 4000 लोगों ने इसे 5 स्टार दिया, जिसके कारण इसका ओवरऑल रेटिंग 4.5 है, जो कि काफी बेहतर है। और लोगों ने क्या प्यारे प्यारे रिव्यू लिखे हैं, जो मेरा भी रिव्यू उसी ढंग का है। यदि आप जाएंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस उसी ढंग का होगा, तो मैं कुछ रिव्यूज डाल देता हूँ। यदि आप ओंकारेश्वर आ रहे हैं और ओंकारेश्वर ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मैं उसने उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। यदि आप वहाँ ओंकारेश्वर में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं तो उसका भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, और मैंने MP में और सभी जगह भी कवर की है, तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।